बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक समय पर बहुत करीबी रिश्ता रहा है। सेलेब्स की अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्ती रही, इस वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्ती करना एक सेलेब को बहुत भारी पड़ गया। उस सेलेब की मानो जिंदगी बर्बाद हो गई। गैंगस्टर के साथ इस सेलेब यानी कि एक्ट्रेस को दोस्ती करना इतना भारी पड़ा कि उनकी जिंदगी मानो खत्म सी हो गई। इस एक्ट्रेस को एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। इस एक्ट्रेस का नाम अनीता अयूब है। ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। अनीता अयूब पाकिस्तान की रहने वाली है। वो पाकिस्तान में पढ़ाई करने के बाद मॉडलिंग करने के लिए इंडिया आ गई थी। यहाँ पर कई एड और मॉडलिंग करने के बाद अनीता ने बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने देवानंद की फिल्म प्यार का तराना से डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अनीता ने देवानंद के साथ ही गैंगस्टर में भी काम किया था। इसी दौरान उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ अफेयर की खबरें आने लग गई। अनीता ने कभी दाऊद के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, वो हमेशा इससे इनकार करती रहती थी। अनीता का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अनीता को एक पॉपुलर प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें दाऊद ने मौत के घाट उतरवा दिया। अनीता अपनी फिल्मों से ज्यादा बाकी चीजों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। उन पर पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने के भी आरोप लगे थे। एक पाकिस्तानी मैगजीन में इस बात का जिक्र भी किया गया, जिसमें लिखा गया था कि लोगों को लगता है कि अनीता पाकिस्तान की जासूस हैं। इस वजह से ही उन्हें बॉलीवुड में बायकॉट कर दिया गया था। उसके बाद वो एक्टिंग छोड़कर अपने देश वापस चली गई थी।